तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। अवध विश्वविद्यालय की अवध सीरीज हम देख रहे थे, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए बीएड सेकेंड ईयर के थर्ड पेपर के कुछ क्वेश्चंस हम यहां पे देखेंगे। 1 से 5 ऑलरेडी देख चुके हैं, तो हम यहां पे प्रश्न संख्या 6 से आगे अपनी आसान से भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, ताकि जब आप पढ़े तो चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाए। तो देखिये छठा प्रश्न क्या है दोस्तों। प्रश्न संख्या 6 आपका है अवध सीरीज में बीएड सेकेंड ईयर के थर्ड पेपर की, कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण, सार्वभौमिकरण काफी हिंदी में लिखा गया, इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सलाइजेशन, ठीक है। सार्वभौमिकरण तथा उसकी विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए उपाय बताइए। तो इसके उपाय क्या हो सकते हैं, देखिए विभिन्न उपाय हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है, अगर आप प्राथमिक स्तर पे शिक्षा को सार्वभौमिकरण करना चाहते हैं, यूनिवर्सलाइज करना चाहते हैं, तो इसके उपाय ये हो सकते हैं। पहली बात कि अनिवार्य शिक्षा स्थिर नीति, मतलब शिक्षा अनिवार्य है और सबको मिलनी चाहिए, यह नीति स्थिर होनी चाहिए, बदलनी नहीं चाहिए, ये सबको इसको लागू करना चाहिए, पालन करना चाहिए। दूसरा, शिक्षकों की समस्या का समाधान, अगर कम शिक्षक है तो वहाँ पर प्रॉपर शिक्षक होने चाहिए, और शिक्षक का व्यापक प्रसार जन जन तक पहुंचानी चाहिए, जहां पे विद्यालय नहीं है वहां भी पहुंचानी चाहिए। छोटे छोटे पॉइंट हैं, ठीक है। आर्थिक समस्याओं का समाधान, जो बच्चे गरीब हैं जो किताबें नहीं खरीद सकते वहां तक पहुंचाए। पाठ्यक्रम में सुधार करें, ऐसे पाठ्यक्रम लाए जो बच्चों को इंटरेस्टेड लगे, ठीक है। थोड़ा सा खेल, थोड़ी सी ये सारी चीज़ें रखें। नए विद्यालयों की स्थापना की जाए, कक्षाओं में छात्रों की संख्या में वृद्धि की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ा जाए। तो ये हो गया प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 7 की बात करें तो वुड का घोषणा पत्र, वुड का आदेश पत्र किसे कहा जाता है। दोस्तों ये बहुत ही विस्तृत टॉपिक है, जिस पे ऑलरेडी बात की जा चुकी है, तो इसमें हम केवल घोषणा पत्र के बारे में, जैसे कि 1813 ईस्वी में जो आज्ञा पत्र आया था, उसके बाद से मेकाले का विवरण पत्र आया था, फिर बेटिंग का सुझाव आया था, उसके बाद जाके वुड का घोषणा पत्र आया था, बीच बीच में प्राच्य पश्चात विवाद, ये सारी चीज़ें हुई थी। लेकिन यहाँ से आपसे एक नंबर में पूछा जा रहा है कि वुड का आदेश पत्र क्या हुआ था। तो प्राच्य पश्चात विवाद, इन सारे विवादों के बाद वुड महोदय, जो चार्ल्स वुड थे, उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल थे, तो इन सारे विवादों को सुलझाया था और एक आदेश पत्र जारी किया था, उसी को वास्तव में वुड का घोषणा पत्र कहते हैं। देखिए ये कब हुआ था, सन 1853 में ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञा पत्र के नवीकरण का समय आया था, जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारतीय शिक्षा की प्रमुख समस्याओं के समाधान हेतु एक जांच समिति की गठन तत्कालीन बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सभापति चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में किया गया था, ठीक है। अब इन सारी सुझावों को सुनने के बाद क्या, इसी समिति के सुझाव के आधार पर वुड ने 19 जुलाई 1854 को एक आदेश पत्र, अपनी भारतीय शिक्षा नीति का प्रकाशन किया। इसी पत्र को आदेश, सॉरी, वुड का डिस्पैच या वुड का घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये काफी विस्तृत टॉपिक है, विस्तृत इस पर वीडियो बनाई चुकी है, देख लीजिए, ठीक है। मैं एक और, जब इसी प्रश्न में, इसी अवध सीरीज में आप प्रश्न संख्या देखेंगे, प्रश्न संख्या 13 से लेके 14, फिर आगे प्रश्न संख्या देखेंगे 19, तो ये सारी चीज़ें इसी के बारे में बात की गई है, प्राच्य पश्चात, तो उसमें हम और एक्सप्लेन से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे वुड का आदेश पत्र का मतलब यही होगा कि जो भी प्राच्य पश्चात विवाद हुआ था उसको कम्प्लीटली सुलझाने के बाद जो वुड ने एक आदेश पत्र जारी किया था, उसी को वुड का आदेश पत्र कहा जाता है, ठीक है। दोस्तों प्रश्न संख्या 8 की तरफ अगर आप चलेंगे तो 8 में देखेंगे, 8 में आपसे पूछा गया कि मदरसा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए आम टिप्पणी की बात है तो आप अपना विचार रख सकते हैं, आपको क्या मदरसा के बारे में पता है वो लिख सकते हैं। किताब में दूसरे शब्दों में लिखा है, यहाँ पर मैंने लिखा कि मदरसा आमतौर पर एक धार्मिक विद्यालय की नज़र से देखा जाता है, सही बात है, जहां पर मुस्लिम धर्म से संबंधित शिक्षा दी जाती है। आसान से शब्दों में मदरसा शब्द का मतलब एक ऐसी जगह जहां पर शिक्षा दी जाती है, और यहां पर सभी उम्र के छात्र एक साथ पढ़ते हैं। आप देखेंगे अक्सर जो चाहे बड़ा उम्र के बच्चे हो या फिर छोटे, वो सभी मदरसा में एक साथ पढ़ लेते हैं। देखिए इस्लामिक विद्यालय यह एक इस्लामिक विद्यालय है एवं इनके विषयों में, इन इस्लामिक विद्यालय में क्या हो गया, उर्दू के साथ साथ इस्लामिक धर्म संबंधित पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं। आमतौर पर मदरसे दो तरह के कोर्स पढ़ाए जाते हैं, पहला हिफ्ज, जिसको करने के बाद इंसान हाफिज बनता है, और दूसरा आलिम, जिसको करने के बाद इस्लाम में विद्वान बना जाता है। मतलब मदरसे में ना दो टाइप की पढ़ाई होती है, पहला एक हिफ्ज, जो कि हिफ्ज करने के बाद इंसान हाफिज बनता है, कारी बनता है, मुफ्ती बनता है, दूसरा स्कॉलर्स, जैसे विद्वान होते हैं ना हर एक घर में, तो आप विद्वान बनेंगे। आप अक्सर टीवी डिबेट में देखेंगे मुस्लिम स्कॉलर्स आते हैं तो वो मदरसे में ये पढ़ाई करके गए होते हैं, ठीक है। और इसकी फंडिंग कहाँ होती है, मदरसे में पैसे कहाँ से दिए जाते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा यहाँ जिक्र किया गया है। इन मदरसों की फंडिंग जकात और दान से मिले पैसे से की जाती है, हर मुस्लिम व्यक्ति अपनी आय के कुछ प्रतिशत हिस्सा जकात या दान करता है, और इन पैसों का मदरसों को भी दिया जाता है। समझ में आ गई बात है, तो मदरसे के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखना था। ये था आपका प्रश्न संख्या 8। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 9 के बारे में।
तो दोस्तों प्रश्न संख्या 9 है आपकी कि वैदिक शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श से आपका क्या आशय है। तो देखिए आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं लेकिन आसान सी भाषा में देखिए, वैदिक शिक्षा जो वैदिक कालीन शिक्षा थी जो उस समय के विद्वान के द्वारा पढ़ाया जाता था, मोस्टली इसको सनातन धर्म से भी जोड़ा जाता है क्योंकि वैदिक शिक्षा की बात, तो इसका मुख्य जो शब्द ये है, इन शब्दों को देखिए, ईश्वर की भक्ति तथा धार्मिकता की भावना, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का पालन, सामाजिक कुशलता की उन्नति और राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार वैदिक कालीन शिक्षा के मुख्य उद्देश्य एवं आदर्श थे। किताबों में इस प्रकार से लिखा है लेकिन बहुत ही बेहतरीन तरीके से अगर केवल आप इन शब्दों को याद कर लेंगे ना, तो चाहे 15 नंबर में पूछे या 8 नंबर में पूछे, आसानी से आप इसको बढ़ा के लिख सकते हैं। क्या क्या बातें की जा रही है वैदिक कालीन में? ईश्वर की भक्ति की धार्मिकता, मतलब वैदिक कालीन शिक्षा को यही माना जाता है। आपको पता है वैदिक कालीन में कहा जाता है कि ईश्वर को पा लेना ही आपका पुण्य कार्य है, अगर आप इस धरती में रहते हो आपने ईश्वर को प्राप्त कर लिया, आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया। तो ईश्वर की भक्ति तथा धार्मिकता की भावना, परम व्यक्ति धार्मिक भाव से, चरित्र निर्माण, आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए, व्यक्तित्व का विकास, एक अच्छे नागरिक बने, नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का पालन करें, ऐसा नहीं कि आप स्वार्थी बने, दूसरों के कर्तव्य, दूसरों के भलाई के लिए आप एक अच्छे नागरिक बने, सामाजिक कुशलता की उन्नति, राष्ट्रीय संस्कृति का बचाव करना और उसको प्रसार करना वैदिक कालीन शिक्षा के मुख्य आदर्श एवं उद्देश्य थे। दोस्तों आप किताब से रिफर कर सकते हैं लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप प्लीज़ इसको एक बार नोट्स जरूर ले लीजिएगा, अगर हो सके तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आधार पर आप बहुत सारे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 क्या है दोस्तों आपका? तो प्रश्न संख्या 10 आपका है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग क्या है? तो भैया बड़ा आसान तरीके से, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना 21वीं शताब्दी 2005 में की गई थी, ठीक है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा की गई थी। इस आयोग की कल्पना करते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि अब समय आ गया है कि संस्थान निर्माण का दूसरे दौर शुरू किया जाए एवं शिक्षा अनुसंधान व क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में उत्कृष्ट अर्जित की जाए, ठीक, उत्कृष्टता अर्जित की जाए, इसके साथ साथ विज्ञान कृषि उद्योग के क्षेत्रों में ज्ञान सृजन के लिए बढ़ावा दिया। कहने का मतलब क्या है, देखिए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा सर्व शिक्षा अभियान का शुरुआत किया जाया था। अब यहाँ पे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी शिक्षा के क्षेत्र को हर एक चीज से जोड़ना चाहते थे, जैसे कृषि के बारे में शिक्षा, उद्योग की शिक्षा, हर एक चीज को प्रसार प्रसार करना चाहते थे। तो उसी के बारे में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना की गई थी जो शिक्षा संबंधी सुझाव देती थी। प्रश्न संख्या 10। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 11 की। प्रश्न संख्या 11, बौद्धिक कालीन शिक्षा शिक्षक विशेषताओं की उपयोगिता बताइए। बौद्धिक कालीन शिक्षक सॉरी शैक्षिक विशेषताओं की उपयोगिता बताइए। तो क्या थी? तो देखिए यद्यपि बौद्धिक कालीन शिक्षा भारत से लोप हो चुका है तथापि इसके कुछ तत्व आधुनिक भारत शिक्षा के लिए ग्रहणीय है, इसको स्वीकार करने। पहले क्या, छात्रों का जीवन से कहने का मतलब यह है कि छात्रों का जीवन बड़ा सरल होता था बौद्धिक कालीन में, वो पूर्ण रूप से गुरु के पास जाके अध्ययन करते थे, ठीक है, वो निस्वार्थ भाव से अध्ययन करते थे और गुरु को सब कुछ मानते थे, उनके अंदर कोई लालच नहीं होती थी और गुरु की इज्जत करती थी। तो छात्रों के जीवन को हमें ग्रहण करना चाहिए और छात्रों का अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का केंद्र, पहले बौद्धकालीन शिक्षा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। जब भारत के बिहार में नालंदा जैसे महान विश्वविद्यालय हुआ करते थे, ठीक है, शिक्षा संस्थाओं का जनतंत्रीय संगठन, ठीक है, जन लोगों को जोड़ने वाला एक संगठन होना चाहिए। तो ये हो गई बौद्धिककालीन शिक्षा की विशेषताओं। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 15। तो प्रश्न संख्या 15 भी काफ़ी सिमिलर है, ठीक है, मकतब पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो मकतब को आपके बारे में बताएं, तो देखिए मकतब अरबी भाषा के कुतुब शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है वह स्थान जहाँ पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। अब चूंकि उस समय पर्दा प्रथा थी, इसके बावजूद भी लड़के और लड़कियां मकतब में जाके पढ़ते थे, ठीक है, मकतब प्राथमिक शिक्षा का केंद्र और साधारणतः किसी मस्जिद से, मकतब और मस्जिद हमेशा पास में हुआ करते थे। और मुस्लिम धर्म की मान्यता यह है कि जब बच्चा 4 साल 4 महीने और 4 दिन का हो जाए तो उसको दाखिला करा देना चाहिए, ठीक है, वही बात कही गई है। और दाखिला से पहले एक रस्म होती है बिस्मिल्लाह खानी, बिल्कुल वैसे ही है जैसे सनातन धर्म में लोग कहते हैं ना कोई भी काम करने से पहले कि श्री गणेश करिए, श्री गणेश मतलब गणेश जी के नाम से आप शुरुआत करिए, ठीक वैसे ही बिस्मिल्लाह खानी मतलब आप कोई भी काम कर रहे हैं तो बिस्मिल्लाह करिए, बिस्मिल्लाह का मतलब होता है कि अल्लाह के नाम से शुरू, ठीक वैसे ही बच्चों को नए नए वस्त्र, चूंकि उनका उत्साह बढ़े, वो थोड़े और मोटिवेट हो, तो बच्चों को नए नए कपड़े पहना के मदरसे में भेजा जाता था। और शिक्षक तो जो उस्ताद मौलवी साहब होते थे वो थोड़ा बहुत पढ़ाते थे, अगर बच्चा पढ़ लेता तो ठीक, नहीं तो केवल बिस्मिल्लाह वर्ड कहला कर उनकी पढ़ाई शुरू कर दी जाती थी। यहाँ पे लिखा है बिस्मिल्लाह शब्द का उच्चारण करवाते थे, बिस्मिल्लाह का अर्थ है अल्लाह के नाम पर, वास्तव में बिस्मिल्लाह का एक्चुअल अर्थ ये है कि अल्लाह के नाम से शुरू, और इसके बाद बच्चों को मकतब में प्रवेश दी जाती थी। तो यह है मकतब के बारे में, ठीक है। अब हम 13वें प्रश्न की तरफ चलेंगे दोस्तों। 13वां आपका प्रश्न क्या है?
प्राच्यवादी से आप क्या समझते हैं? देखिए इसी की मैं बात कर रहा था, प्राच्यवादी, और आपको इस चीज को क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। वुड का घोषणा पत्र, मैकाले की शिक्षा नीति, प्राच्यवादी, पश्चात्यवादी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना पड़ेगा। इस वीडियो में मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बाकी आप इसको जरूर समझिए। तो प्राच्यवादी क्या था, देखिए फिर से रिपीट करता हूँ वेरी शॉर्टली। देखिए 1813 ईस्वी में जब आज्ञा पत्र आया था, उसमें एक धारा थी, धारा 43, ठीक है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह कहा था कि वो भारतीय शिक्षा प्रचार के लिए 1,00,000 रुपये दान करेंगे, वो भारत की शिक्षा के लिए 1,00,000 रुपये देंगे। अब इसमें दो गुट में बट गए पूरी कंपनी। कंपनी का एक हिस्सा कहता था कि यह 1,00,000 रुपये भारतीय संस्कृति, मतलब जैसे कि भारत के विज्ञान विद्वान और हिंदी संस्कृत भाषा पे खर्च होगी, वहीं दूसरा गुट कहता था कि नहीं, ये पैसे अंग्रेजी के प्रचार प्रसार के लिए ख़त्म किया जाएगा। तो जो हिंदी के समर्थक थे वह प्राच्यवादी में आ गए, और जो अंग्रेजी के समर्थक थे वो पश्चात्यवादी में आ गए, ठीक है। अब प्राच्यवादी में कौन थे, प्राच्यवादी में कंपनी के पुराने लोग थे। अब उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है कि प्राच्यवादी दल में कंपनी के पुराने और अनुभवी कर्मचारी थे। इसमें सर्वप्रथम स्थान वॉरेन हैसिंगटन और जॉनथन डंकन का था, जिन्होंने कलकत्ता, मद्रास और बनारस संस्कृति कॉलेज की सृष्टि करके प्राच्यवादी नीति के पक्ष में अपना मत प्रकट किया था, ठीक है। लॉर्ड मिंटो भी इस नीति का पोषक थे। इस नीति की बंगाल की लोक शिक्षा समिति अधिकांश सदस्यों का समर्थन प्राप्त था, इसमें कुछ सदस्य। तो आप ये लिखिए कि प्राच्यवादी आप कह सकते हैं कि 1813 ईस्वी में 43वीं धारा की व्याख्या करने के लिए जिन दलों ने भारतीय संस्कृति और भारतीय विद्वानों का समर्थन किया, उसमें संभवतः कंपनी के पुराने लोग थे, इनका यह दल प्राच्यवादी दल कहलाता था, प्राच्यवादी गुट कहलाता था। अगला प्रश्न भी आपका 14वां प्रश्न यही है कि पश्चात्यवादी क्या थे। तो पश्चात्यवादी भी वही थे, देखिए जो अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए कहते थे कि यह 1,00,000 रुपये अंग्रेजी के लिए खर्चो, वो पश्चात्यवादी में है। तो उसी में आपको देखा होगा इस कंपनी में मुख्यतः नए लड़के थे, नए लोग थे, तो उनका नाम इतना ज़्यादा फेमस नहीं हुआ था, और ये संपूर्णतः ये इतर उतर बिखरे हुए थे, इसलिए दल का ना तो कोई संगठित स्वरूप था ना कोई नेता था, फिर भी उन्हें प्राच्यवादियों की नीति का जमकर विरोध किया। अच्छा आपको याद हो इस विवाद के बाद एक मैकाले आए थे इनको समर्थन के लिए, तो मैकाले ने पश्चात्यवादियों को ही जीत दी। मैकाले ने जो विवरण पत्र दिया उसमें पश्चात्यवादियों का ही बात माना, जो अंग्रेजी के प्रचार प्रसार की बात करते थे ना उन्हीं की बात उन्होंने कबूल की, और प्राच्यवादी जो कि हिंदी की बात करते थे उनको नकार दिया। बाद में फिर से बदली हुई, लेकिन शुरुआती में ये पश्चात्यवादी की बात रखी गई। तो पश्चात्यवादी में वो लोग थे जो कंपनी में नए थे, ठीक है, जो अंग्रेजी के प्रचार प्रसार की बात करते थे। उनका मानना था कि संस्कृत और हिंदी साहित्य भाषा, अब ये देखिए यहाँ पे साफ लिखा है कि ये जो पश्चात्यवादी थे ना उनका क्या कहना था, उनका कहना था उन्होंने यह घोषित की कि अरबी, फारसी और संस्कृत के साहित्य में पुरातन और निरर्थक विचारों के सिवा किसी प्रकार की उपयोगिता नहीं है, उपयोगी ज्ञान नहीं। उनको मानना था कि कोई ज्ञान ही नहीं है, मतलब अरबी, संस्कृत और फारसी, वो अंग्रेजी का प्रचार प्रसार करते थे। तो ये हो गई पश्चात्यवादी। हम प्रश्न संख्या 15 देखेंगे दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में हम यही खत्म करेंगे, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 15 ये है कि बौद्धकालीन धार्मिक शिक्षा व्यवस्था को स्पष्ट करिए कि बौद्धकालीन में प्राथमिक शिक्षा कैसे होती थी। तो सबसे पहले प्रवेश की अवधि, बौद्धकालीन में प्रवेश 6 वर्ष में दी जाती थी, ठीक है। और इनका पाठ्यक्रम कैसा होता था, पाठ्यक्रम में सिद्धिरस्तु नामक बाल पोथी पढ़नी होती थी, ठीक है। इसमें 12 अध्याय और वर्णमाला 49 अक्षरों में थे। 16 महीने के बाद विद्याओं सब जैसे विद्या, तर्क विद्या, चिकित्सा विद्या, आध्यात्म विद्या, शिल्प विद्या का अध्ययन करना पड़ता था। मतलब 6 साल में आप जो सिद्धिरस्तु नामक जो पोथी थी वो पढ़ेंगे, उसके बाद आप किसी विद्या जैसे कि शब्द विद्या, तर्क विद्या, इसके बाद पढ़ना पड़ता था। तो ये उनका पाठ्यक्रम था। शिक्षण विधि क्या थी, तो देखिए शिक्षण विधि ये थी कि शिक्षक लकड़ी की तख्ती पर अक्षरों को लिखता था, और उनका जैसे हम स्लेट पे पढ़े हैं ना, हमने अक्षर शायद इस बार के बच्चे नहीं पढ़ते होंगे, हमने स्लेट पे पढ़ा है, मतलब हम लोग भी उस पुराने जमाने के, तो शिक्षा का माध्यम क्या था, मठों में शिक्षा जनसाधारण भाषा में जिस भाषा में बच्चे समझ पाए उस भाषा में दी जाती थी। तो चलिए दोस्तों 15 प्रश्न हो गए, इस चीज़ को हम यहीं ख़त्म करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है बौद्ध शिक्षा के योगदान को स्पष्ट करिए, तो इसको अगले वीडियो में देखेंगे। तो हमने 15 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया, 5 हमने दूसरे वीडियो में डिस्कस किया था, और 6 से लेके या 15 तक हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। दोस्तों उम्मीद है कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी, और समझ में आई हो तो कमेंट में बताइए, आपके कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है और इस चीज़ को हम जारी रखेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों, और थोड़ा शेयर कर दीजिए, लोगों से जुड़िए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मुझे भी तो लगे कि हाँ इतने बच्चे देख रहे हैं। तो बाकी ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट में बताइए। वीडियो को यहीं ख़त्म किया जा रहा है, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है फिर भी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, फिर अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रश्न संख्या 16 से, और उम्मीद करेंगे कि 25-30 तक हम कवरअप करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत इस वीडियो को देखने के लिए, और प्लीज़ कमेंट में अपनी राय दें कि ये जानकारी आपको कैसी लगी, कैसा लगा साथ पढ़ के। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, पढ़िए, सेल्फ स्टडी करिए, और हाँ
लोगों को जोड़िए थोड़ा, ठीक है? आप भी मेरे लिए कुछ करिए, लोगों को जोड़िए। धन्यवाद, जय हिंद।